देखते हैं मधुबनी जिले की आज की सभी बड़ी खबरें। फुलबराज के नरहिया में बहुप्रतीक्षित पुलिस ओपी बनाने की मांग हुई पूरी। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मीश्वर राय ने नरहिया में NH-57 के किनारे पुलिस ओपी का किया शिलान्यास। लोहा में ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हुई हत्या। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर काटा बवाल। चतुर्भुज पिपराही गांव अवस्थित ईंट भट्टा पर रुपए के लेन देन के विवाद में भट्टा मालिक वीरेंद्र कुमार बड़नैर की अपराधियों ने गोली मारकर कर दी हत्या। अंधरा ठाड़ी के रुद्रपुर थाना पुलिस ने कर्णपुर पंचायत के मुखिया राजा राम कामत को किया गिरफ्तार। देशव्यापी लॉकडाउन में प्रखंड कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे थे कर्णपुर के मुखिया। घर में लगी आग। यदुवीर मंडल के घर में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख। अंधरा ठाड़ी के गंगद्वार पंचायत के चापही में स्वास्थ्य विभाग ने 38 प्रवासी श्रमिकों का लिया सैंपल। दूसरे प्रदेश से लौटे 70% प्रवासियों की होगी कोरोना जांच। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से फैला सनसनी, जिसमें मुख्यालय के ही 4 कोरोना मरीज शामिल। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा मुख्यालय को चारों ओर से किया गया सील। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत 67 लाख की लागत से बने सड़क का किया उद्घाटन। राजनगर में मगरोनी हार्ट हॉस्पिटल झाड़ी टोला से आदर्श नगर तक बनी है। बेनीपट्टी में योग दिवस पर मिथिला पेंटिंग के जरिए खुशबू ने फैलाई जागरूकता। प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग कलाकार खुशबू द्वारा बनाए गए योग के विभिन्न आसनों की कलाकृति की हो रही प्रशंसा। हरलाखी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए कॉम्प्लेक्स की हुई पैमाइश। भू माफियाओं को नोटिस भेजकर चलाया जा रहा है अतिक्रमणवाद। सीओ ने कहा नोटिस की अवहेलना करने पर होगी FIR। हरलाखी के कंटेनमेंट जोन में नहीं हो रहा सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन। किसी प्रकार के प्रशासनिक सख्ती नहीं होने से खुलेआम बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं लोग। बेरोक टोक आवाजाही जारी। हरलाखी में मनरेगा योजना में काम मिलने से प्रवासी मजदूरों व महिलाओं को मिल रही राहत। नरहिया पंचायत के पंसद सीमा देवी ने दिया 150 प्रवासी मजदूरों को काम। मोहनपुर में 2 पंचायतों को जोड़ने वाली बन रही सड़क। हरलाखी के बिसौल पंचायत अंतर्गत वार्ड 10 में नल जल योजना में क्रियान्वयन समिति पर लगा अनियमितता का आरोप। भाजपा नेता ने अधिकारियों को आवेदन देकर जाँच कराने की मांग। गिरफ्तार बासोपट्टी थाना के बुंदेलखंड गांव निवासी है धराई कारोबारी मनोज साहनी। बाबूबाही में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। मोहनपुर गांव के छेदी पासवान के घर से धराया 7 लीटर जुलाई शराब। एक महिला गिरफ्तार। ओसी पुलिस ने फरार चल रहे अभियुक्तों के घर चिपकाया इश्तेहार। ओसी ओपी कांड संख्या 14/14 के फरार चल रहे गोट टोल के 4 अभियुक्त। बेनीपट्टी में 1 सप्ताह पूर्व हुई चर्चित नेमत खातून हत्याकांड की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंचे DSP। 17 जून को हुई थी विवाहिता की ससुराल में हत्या। हत्यारोपी ससुराल पक्ष के सभी फरार। बच्चों के झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे परिजनों के बीच हुई मारपीट। पीट पीट कर 40 वर्षीय मोहम्मद मासूम की हत्या। पंडौर थाना क्षेत्र के सरसोपाही मोमिन टोला की घटना। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झंझारपुर के प्रभारी BDO सह अपर समर्था विकास कुमार ने आवास पर्यवेक्षक और सहायकों के साथ की बैठक। लाभुकों के किस किस सीट भुगतान करने का दिया निर्देश। मधुबनी जिले में आज फिर मिले 29 कोरोना संक्रमित मरीज। लोखा खुटौना के 8, रहिका के 3, बेनीपट्टी के 4, राजनगर के 5, लोखी और पंडोल के 2 तथा लखनौर खजौली अंधरा ठाड़ी केवटी और बिस्फी के 1-1 मरीज शामिल। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 349। बेनीपट्टी के करही में सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का विधायक भावना झा ने किया शिलान्यास। के तत्वा टोल में 15 लाख की लागत से बनेगी सामुदायिक भवन। कमालपुर के युवकों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर चीनी राष्ट्रपति का फूका पुतला। चीन से लड़ते हुए शहीद हुए वीर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। चीन का हर स्तर से विरोध करने के लिए दिलाया संकल्प। बेनीपट्टी में नल जल योजनाओं को पूरा करने के लिए तत्पर हुआ प्रखंड प्रशासन। 5 तकनीकी सहायकों में 33 पंचायतों को बांट नल जल सहित अन्य योजना पूर्ण कराने का दिया है गया निर्देश। बेनीपट्टी ADM ने किया दाखिल खारिज। भू लगान CWJC सहित राजस्व संबंधी अन्य विषयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा। चालू वित्तीय वर्ष में मधवापुर में ऑनलाइन दाखिल खारिज। 98% मामले हुए निष्पादित। मधवापुर में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर BDO ने किया 8 बूथों का भौतिक सत्यापन। बूथ से संबंधित विद्यालय के HM को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बेनीपट्टी के चर्चित कांग्रेस नेता पुत्र सुशांत हत्याकांड के 3 फरार आरोपियों ने ACJM
कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। हत्या आरोपी धीरज विजय और राज को भेजा गया न्यायिक हिरासत। एक अन्य आरोपी रंजित मंडल पूर्व में हुआ था गिरफ्तार। आप देख रहे हैं चौथा सब।